अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में लालू प्रसाद यादव भी अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि इस चुनाव में भी एक बिहारी उम्मीदवार होना चाहिए। हालांकि इसमें ट्वीट यह है कि यहां लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीयता जनता दल के प्रमुख नहीं हैं, बल्कि बिहार के सारण जिले के एक निवासी हैं। संयोग है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि भी सारण ही रही है। लालू यादव का दावा है कि उन्होंने पहले ही दिल्ली जाने के लिए विमान की एक टिकट बुक करा लिया है, जहां उनकी योजना 15 जून को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने की है। सारण जिले के एक निवासी लालू यादव ने 2017 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। तब मुकाबला बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार के बीच था। लालू यादव ने कहा कि मेरे कागजात पिछले बार खारिज कर दिए गए थे, क्योंकि मेरे पास प्रस्तावक पर्याप्त संख्या में नहीं थे। इस बार मैं बेहतर तरीके से तैयार हूँ। दरअसल सारण के बढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के रहीमपुर गांव के निवासी लालू यादव लगभग 42 साल के हैं। उन्होंने कहा कि वह जीविका के लिए खेती करते हैं और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। लालू यादव के 7 बच्चे हैं, इसमें बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। लालू यादव ने कहा कि वह पंचायतों से लेकर राष्ट्रपति पद के चुनाव तक में अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर और कुछ नहीं तो सबसे ज़्यादा चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड तो बना ही सकता हूँ। लालू के परिचित लोग उन्हें धरती पकड़ कहते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो भारत के राजनीतिक शब्दकोश में उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जो रोमांच प्रचार के लिए चुनाव लड़ना पसंद करते हैं। आपको बता दें, जिन्होंने नरेंद्र मोदी की लहर पर सवार होकर 50,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की है, वही सारण के लालू प्रसाद यादव को 10,000 से भी कम वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन यादव 2019 में फिर से मैदान में कूद गए हैं और लगभग 6,000 वोट हासिल किए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।